पर इंसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 3 मार्च 2024 और रिवाइज डेट हैं 21 नवंबर 1998। आज की मुरली के सार में बाबा ने नशा और स्वमान दिलाते हुए कहा कि तुम विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए हो। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है न हो सकता है, क्योंकि बाबा कहे आप बच्चे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हो। बाबा कहे सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाबा की याद में रहकर कदम उठाया तो हर कदम में पद्म की कमाई जमा हो जाती है। तो बाबा कहे सारे दिन में कितने पद्म जमा होते हैं। और नशा दिलाते हुए कहा, बाप दादा कहते हैं अगर भाग्यवान देखना हो वह रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। फिर बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ की 3 प्रकार की स्टेजेस बताई। एक बताया पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी, दूसरा बताया पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज का, और तीसरी लास्ट संपूर्ण स्टेज बताई देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करना। तो बाबा अभी बच्चों की देह में रहते हुए विदेही अवस्था को देखना चाहते हैं। और समय का ज्ञान देते हुए कहा कि जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का सार है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। बाबा कहे आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है न हो सकता है। बाबा आज भाग्य का स्वमान और नशा दिला रहे हैं कि आप इतनी भाग्यवान आत्माएं हैं, जो आप भाग्यवान आत्माओं ने स्वयं भाग्य विधाता को पहचान लिया और उनके डायरेक्ट बच्चे बन गए। और जितने भाग्यवान आप बच्चे हैं आप जैसे भाग्यवान सारे कल्प में कोई नहीं हो सकता, न है न हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई नहीं हो सकता, चाहे कितना भी पदमपति हो लेकिन आप बच्चों के खजाने से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। बाबा ने फिर दूसरा नशा दिलाया कि आप जैसा संपत्तिवान दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं आपके हर कदम में पद्म है। और वो क्यों है? क्योंकि भाग्य विधाता की स्मृति है। जहाँ भाग्य विधाता की स्मृति में जो कदम उठाए गए हैं उस हर कदम में पद्म की कमाई जमा होती है। तो सारे दिन में कितने पद्म जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं अगर भाग्यवान देखना हो वह रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं, और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हो, खजानों की लिस्ट जानते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं आपके पास कौन कौन से खजाने हैं, उन खजानों को जानते हो, उसकी लिस्ट आपके पास है। यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसी के पास नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है।
बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे लौकिक में भी होता है ना, जो बच्चा कमाई कर कमाल करके दिखाता है, ऐसे बाबा कहते हैं यहाँ पर भी तुम इतने संपत्तिवान हो, इतने सारे खजाने आप बच्चों के पास है, जो आपके खजाने को देखकर बाबा को भी नाज होता है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। अंडरलाइन, बाबा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना? बाबा पूछ रहे हैं, आपको भी अपने ऊपर इतना नाज और नशा रहता है ना जितना बाबा को है? तो हाथ की ताली बजा सकते हो। तो सभी ने हाथ की ताली बजाई। बाबा कहे, दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो, एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना, अर्थात एक हाथ उठा करके बाबा को ओके करना। ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है, ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा कर लो। लेकिन आपको मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना या नहीं मिला है? तो सभी बच्चों ने कहा मिला है। तो बाबा कहे, सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां समस्याएं वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते, इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। बाबा ने जीवन मुक्त स्थिति का भावार्थ बताया कि जीवन में रहते हुए चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, बात आए, वातावरण हो, पांच तत्वों के प्रकृति की हलचल भी कितनी हो, लेकिन हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, बाहर की स्थिति का प्रभाव हमारी अंदर की अवस्था पर ना पड़े, उसको कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति, जो अभी अनुभव करनी है। और यही जीवन मुक्त स्थिति के संस्कार फिर सतयुग में ले जाएंगे। ऐसे जीवन मुक्त बने हो व अंत में बनेंगे, अब बनेंगे या अंत में बनेंगे, जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है व बन गए हैं या बनना ही है, वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया, दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर है। बाबा कहे, भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है। बाबा कहते हैं, अटेंशन प्लीज, कि बाबा को हर एक बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनना जरूर है। अंडरलाइन, बाबा कहे, चाहे किसी भी विधि से मुक्त बनना पड़े, लेकिन मुक्त तो बनना ही होगा। जानते हो ना कि विधियाँ क्या हैं, इतने तो चतुर है ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? तो सभी ने कहा अभी से बनेंगे। तो बाबा ने कहा, आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का, ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। बाबा कहे, हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है, यहाँ स्टेज से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है, यह कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है, अच्छा है। कारणे अकारणे, जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे तो जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ। तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं? अर्थात बाबा कहते हैं, फाइनल रिजल्ट में भी जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठे रहेंगे ना, जैसे अभी बैठे हैं। ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे, पहले आप धरनी पर बैठना, यह है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही, तो अच्छा है हेल्दी हो, वेल्दी हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की तीन प्रकार की स्टेजेस हैं,
एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रलब्ध जीवन मुक्त अवस्था के स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज हैं देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो तीनों स्टेज देखी बाबा ने, कौन कौन सी तीन स्टेज बताई। एक है पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थी की, दूसरी है पुरुषार्थ की प्रलब्ध जीवन मुक्त अवस्था, और तीसरी लास्ट है संपूर्ण स्टेज विदेही अवस्था का। तो तीनों स्टेज बाबा ने देखी, पुरुषार्थी की स्टेज में ज्यादा देखे, प्रलब्ध जीवन मुक्ति की। प्रलब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छे बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, यह प्रलब्ध नहीं है। बाबा कहे यह तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की और सर्व द्वारा दुआएं लेने की, लेकिन प्रलब्ध है जीवन मुक्ति की। अर्थात बाबा कहते हैं भले चाहे सेंटर के निमित्त बन गए या कोई विशेष सेवा के निमित्त बन गए, ये तो सिर्फ लिफ्ट है और आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यह फाइनल स्टेज नहीं है। फाइनल स्टेज है जीवन मुक्ति की, कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बांधा हुआ दिखाते हैं। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई देवे, बहुत महीन भी है, रॉयल भी है। बाबा कहे ज्ञानी और अज्ञानियों की जंजीरें अलग अलग हैं। अज्ञानियों की जंजीरें दिखाई देती हैं, लेकिन ब्राह्मणों की जंजीरें बहुत महीन और सूक्ष्म और रॉयल हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, बहुत सूक्ष्म है, जिसको समझना पड़ता है। पर्सनालिटी फील करने वाले भी है, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते, अपनी अच्छाई महसूस होती है। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे यह जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है। कौन कौन से बाबा ने धागे बताए कि अच्छी पर्सनालिटी फील करते हैं लेकिन है नहीं, अपने को अच्छा महसूस करते हैं लेकिन इतना अच्छा है नहीं। यह सब है सूक्ष्म महीन धागे, अर्थात जीवन बंध की स्टेज, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार यह सेकेंड स्टेज है जीवन मुक्त, लास्ट स्टेज है देह से न्यारे विदेहीपन की। बाबा ने और सूक्ष्म बात बताई कि जीवन मुक्त अवस्था के बाद भी और एक अवस्था आती है जो कि विदेहीपन की अवस्था है, एकदम डिटैच। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या होगा, क्या करेंगे, क्या करें क्या नहीं करें। तो बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। सिर्फ विदेही स्थिति का अनुभव करने में लग जाओ, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। बाबा समय अनुसार अपनी स्थिति बनाने के लिए कह रहे हैं कि आने वाला समय ऐसा होगा, उसके लिए विदेही अवस्था वाले बच्चे ही ऐसी परिस्थितियों को पार कर सकेंगे। चाहे प्रकृति के 5 ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा, जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बाबा कहते हैं जो ऐसी आत्माएं होंगी उनको कहेंगे बाप समान पास विद ऑनर वाली, वह बाप समान सबूत देने वाली। बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उसे आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकेंड में प्लेन क्लियर स्टेबल स्थिति बनाते चलो। अर्थात बाबा कहते हैं प्लान बनाते हो तो डर के कारण नहीं बनाओ, कैसे होगा क्या होगा ये सोचकर नहीं बनाओ, लेकिन विदेही और साक्षी स्थिति में स्थित होकर प्लान बनाओ
और सेकंड में उस प्लान को प्रैक्टिकल में लाने का अनुभव करते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेंगी, जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडोल हो खेल को देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। अंडरलाइन, बाबा ने कितनी गहरी बात बताई कि अभी लास्ट समय को सोचते हो। अभी क्या करना है? लास्ट स्थिति के लिए सोचो कि लास्ट समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो। लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते हैं, और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति में ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो तो बाप दादा की सर्व सेवा करने वाली आत्माओं के संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। बाबा कहे स्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए चलो तो ब्राह्मण परिवार और संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं की ब्लेसिंग मिलती जाएंगी। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए तो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। इसलिए क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। अर्थात स्टॉक जमा करने के लिए दोनों का बैलेंस सदा बना रहे। क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बाबा ने अंडरलाइन कराया कि ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन जो सेवा और स्थिति का बैलेंस रखकर चलने वाले हैं, उनके साथ सदा ही अच्छा होना है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होकर सोचने को फिनिश करो। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा। यह स्थिति को नीचे ऊपर करता है, समझा? अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? बाबा कहे सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? तो सभी ने कहा 12-15 सेंटर बनाए हैं। तो बाबा कहे अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, इसलिए उस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर वन विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है? बाबा पूछ रहे हैं बनना है ना? कब? 99 में या 2000 में बनना है? कब नहीं, अब। अर्थात बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प करो कि अब ही बनना ही है। क्या बनना है? जीवन मुक्त विदेही अवस्था बनानी ही है। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा बाप की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना विदेही बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का। ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा यह नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। बाबा कहे अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वह सभी ऐसे बोल रहे हैं ना? बाप दादा देख रहे हैं,
चाहे भारत में देख रहे हैं, चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, विदेश के बहुत से भाई बहनें पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा, सब नंबर वन लेने वाले हैं, बहुत अच्छा। मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए, तो बाबा कहे, अधिकारी हो ना, अधिकारी हैं, बहुत अच्छा, अभी आगे बढ़ते रहना। फिर हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से बाबा ने कहा, सभी डबल ट्रस्टी हो, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी अच्छा है। हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती हैं। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना, सेवा का चांस लेना, यह है चांसलर बनना। वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। बाबा कहे, वो चांसलर बनने की बात नहीं है, लेकिन रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर अर्थात कोई भी स्थिति परिस्थिति में स्वयं को फुल मार्क्स दिलाने के चांसलर अच्छा है। बाबा कहे, अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने बाप दादा को प्लान दिखाया। बाबा कहे, जहां उमंग उत्साह है और सबकी एक मत है, तो जहां एक मत है और उमंग उत्साह है, तो सफलता है ही है। अच्छा है, भल करो, फॉरेन में नाम बाला करो, बहुत अच्छा है। जो भी सभी भारत से आए हैं, तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढकर परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों को सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना है तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे हैं, वह बहुत प्यार से पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश हैं और बच्चे भी सदा खुश हैं। खुश रहते हैं ना, कभी खुशी कम नहीं करना। बाबा कहे, सदा खुश रहना, कभी खुशी कम नहीं करना, यह स्पेशल बाप का खजाना है। इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तो आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बनाने वाले, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया, परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जहां सर्व का उमंग उत्साह है, वहां सफलता स्वयं समय पाकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए, सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर में बैठ सेवा करो, मनसा से, सुख की वृत्ति से, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। आज बाबा ने सर्व के सहयोग से सफलता मूर्त बनने के लिए कहा कि जिन आत्माओं को उमंग उत्साह है, सेवा की लगन है, वो कोई न कोई विधि से, कोई न कोई रीति से सेवा जरूर करेंगे, चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से सहयोग जरूर करेंगे। और ऐसी सहयोगी आत्माएं ही सुखमय संसार ला सकती हैं और सदा हर कार्य में सफलता मूर्त बनते हैं। आज का स्लोगन है,
प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। आज 3 मार्च का अव्यक्त इशारा है। इशारे का सार है, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाबा कहे, जो बेफिक्र रहते हैं उनसे निर्णय भी अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें टचिंग आती है। समय अनुसार अभी यह करे या नहीं करे, तो सदैव यह याद रखो, बेफिक्र बादशाह हैं। इस नशे में रहने से फिक्र की बात भी बदल जाएंगी। आज बाबा ने बड़ी विशेष बात बताई कि बेफिक्र रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम बेफिक्र निश्चिंत अवस्था में रहेंगे तब हमारी निर्णय शक्ति यथार्थ काम करेंगी, और जब निर्णय शक्ति यथार्थ काम करेंगी तो सिचुएशन को भी निर्णय शक्ति परिवर्तन कर देंगी। इतनी शक्ति है बेफिक्र बादशाह स्थिति में स्थित रहने की। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।